गाजा के अलग अलग हिस्से में हमास पर चढ़ाई करने के बाद इजरायली सेना ने राफा शहर पर आक्रमण कर दिया था। राफा गाजा के भीतर इकलौता ऐसा शहर था जहां पर 10 लाख से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी थी, और राफा पर हमला करने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम नेतन्याहू को चेतावनी दी थी कि राफा पर हमला करना इसराइल के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। लेकिन नेतन्याहू ने बाइडेन की एक नहीं सुनी और राफा पर हमला कर दिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसराइल और अमेरिका के बीच समय का पहिया फिर से घूमकर वहीं वापस आ चुका है, जहां पर बाइडेन एक बार फिर से नेतन्याहू को रोक रहे हैं। लेकिन इस बार जगह राफा नहीं बल्कि लेबनान है, जहां से हिजबुल्ला लगातार उत्तरी इसराइल को दहला रहा है, और यही वजह है कि IDF हिजबुल्ला के खिलाफ पूर्ण युद्ध छेड़ सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसराइल हिजबुल्ला के साथ जंग लड़ने की हालत में है? तो आपको बता दें कि हिजबुल्ला पर हमला करना IDF के लिए इतना आसान नहीं होगा। और ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि खुद अमेरिका ने इसराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो हिजबुल्ला के खिलाफ जंग से दूर ही रहे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा कहा क्यों है? तो आपको बता दें कि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अगर इसराइल हिजबुल्ला से जंग लड़ता है तो उसका एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम पूरी तरह से धराशायी हो सकता है, क्योंकि हिजबुल्ला के पास ड्रोन, मिसाइलों और रॉकेटों का एक बड़ा जखीरा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा समय में हिजबुल्ला एक ही दिन में 3,000 मिसाइलें इसराइल पर दाग सकता है, और ऐसे हालातों में इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ इतनी मिसाइलों के आगे टिक नहीं पाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्ला के पास 1,20,000 से लेकर 2,00,000 तक मिसाइलें हैं। वहीं हिजबुल्ला के प्रमुख हसन नसरल्लाह का कहना है कि उनके पास 1,00,000 से ज्यादा शस्त्र लड़ाके हैं, जिनके पास सीरिया में लड़ने का एक लंबा अनुभव है। इसके अलावा हिजबुल्ला के पास हजारों लंबी और छोटी दूरी की अनगाइडेड मिसाइलें हैं। हिजबुल्ला के जखीरे में कई गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं, जिन्हें वो जमीन के भीतर और मोबाइल लॉन्चर से फायर कर सकता है। और इसराइल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत हिजबुल्ला के कामिकेज ड्रोन है, जिन्हें बीते समय में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। इसके अलावा रिचमंड यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर काउंटर टेररिज्म की 3 साल तक चली एक रिसर्च में हिजबुल्ला को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं, और इसी संस्था की रिसर्च में पता चला है कि हिजबुल्ला एक दिन के भीतर 3,000 मिसाइलें फायर कर सकता है, और ऐसा वो करीब 4 हफ्तों तक कर सकता है, जिसका सबसे बड़ा टारगेट इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को धराशायी करना है। अमेरिका के थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का कहना है कि हिजबुल्ला की रॉकेट और मिसाइल क्षमताओं का पता लगाकर उन्हें नष्ट करना एक बहुत बड़ा टोही अटैक मिशन होगा। इसके अलावा अमेरिकी थिंक टैंक की रिसर्च में ये भी पता चला है कि हिजबुल्ला इसराइल की घनी आबादी वाले इलाकों पर हमला कर सकता है, क्योंकि उसके पास कई लंबी और कम दूरी पर हमला करने वाली मिसाइलें हैं, और इसराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती हिजबुल्ला की आने वाली मिसाइलों की संख्या होगी, जिन्हें जानबूझकर इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। रफा में इजरायली सेना के लिए हमला करना इतना भारी पड़ेगा, इसका अंदाजा खुद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं था। रफा IDF के लिए एक मौत का जाल बन गया है, जिसमें इजरायली सैनिक काल के मुंह में समा रहे हैं, और वहीं हमास के लड़ाके उनकी मौत बनकर परछाई की तरह उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। रफा में जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे इजरायली सेना हांफने लगी है।
और IDF की कमर तोड़ने के लिए गाजा के तमाम प्रतिरोधी संगठन एक साथ लामबंद हो चुके हैं और वो बेहद ही चतुराई से IDF को घेर कर हमले कर रहे हैं। और अब इसी कड़ी में IDF पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। दरअसल रफा के भीतर अलकासिम ब्रिगेड ने IDF के ऊपर एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से पहली बार हमला किया, जिसका अब वीडियो भी सामने आ चुका है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि पहले अलकासिम के लड़ाके इजरायली सैनिकों के आर्मर्ड पर्सनल कैरियर यानी APC वाहन की निगरानी करते हैं और फिर उसके ऊपर एंटी टैंक मिसाइल से हमला कर देते हैं। आपको बता दें कि IDF का ये सैन्य वाहन मिस्र और फिलिस्तीनी बॉर्डर के पास तैनात था, जहां पर अलकासिम ने उसके ऊपर रेड एरो नाम के चाइनीज HJ-8 ATGM से हमला किया है। आम भाषा में इसे रेड एरो गाइडेड मिसाइल के नाम से जाना जाता है। हमास के वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे अलकासिम का एक लड़ाका पहले लगातार IDF की निगरानी कर रहा है और उसके बाद जैसे ही IDF का सैन्य वाहन उसके टारगेट पर आता है, वैसे ही वो उसके ऊपर रेड एरो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर कर देता है, जिसमें जोरदार धमाका होता है और वहां मौजूद इजरायली सैनिक भाग खड़े होते हैं। और इसी दौरान अलकासिम के लड़ाके एक बार में कई मिसाइलें एक साथ धड़ाधड़ फायर करने लगते हैं। इसके बाद वहां IDF का हेलीकॉप्टर मंडराने लगता है, जिसकी आवाज साफ सुनी जा सकती है। इसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है, जिसके ऊपर अलकासिम के लड़ाके रज्जूम रॉकेट से हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अलकुज ब्रिगेड ने भी इजरायली सेना के ऊपर रफा के अलशबोरा इलाके में एक बहुत बड़ा हमला किया है। यहां पर अलकुज ने IDF के दो मरकावा टैंकों पर हमला किया है। अलकुज ब्रिगेड ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि अलकुज का लड़ाका सामने से जा रहे IDF के मरकावा टैंक पर एकाएक RPG रॉकेट फायर कर देता है, जिससे टैंक में जबरदस्त धमाका होता है। इसके बाद हमास के दो लड़ाके IDF के जब्त किए गए हथियारों को एक वीडियो में दिखा रहे हैं। वीडियो में IDF के कई राउंड्स कारतूस नजर आ रहे हैं और इसी वीडियो में आगे आसमान में IDF का एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके ऊपर भी अलकुज का एक लड़ाका रॉकेट फायर कर देता है। आपको बता दें कि इस वीडियो के अलावा अलकुज ब्रिगेड ने नेटजरी मैक्सिस का एक वीडियो जारी किया है, जो दक्षिण पश्चिम गाजा का है। अलकुज के वीडियो में एक लड़ाका पेड़ों के नीचे कंबल ओढ़कर लेटा हुआ दिख रहा है और उसके बगल में एक रॉकेट लॉन्चर रखा होता है। अलकुज का ये लड़ाका कंबल में छिपकर रॉकेट फायर करता है और उसके बाद तुरंत कंबल ओढ़ लेता है और इस लॉन्चर को एक बोरी के नीचे लगाया गया है, जिसके ऊपर भी कंबल रखा हुआ है। इसके बाद अलकुज का एक लड़ाका किसी खंडर इमारत के भीतर से ताबड़तोड़ तरीके से रॉकेट फायर करता हुआ दिख रहा है। इसी वीडियो में आगे बाहर का नजारा दिखता है, जिसमें दूर घरों के आसपास लगातार धमाकों की आवाजें सुनी जा सकती हैं। मिडिल ईस्ट में इसराइल के खिलाफ हमास और हिजबुल्ला और यमन के हूती को खड़ा करने के पीछे ईरान का हाथ है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। यहाँ तक कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हुए हमले के पीछे भी मास्टरमाइंड ईरान ही था। कई खुफिया रिपोर्ट्स में ये बात साफ हो चुकी है कि हमास के लड़ाकों को 7 अक्टूबर का हमला करने के लिए ट्रेनिंग और हथियारों की सप्लाई ईरान से ही हुई थी। यहाँ तक कि इसराइल हमले की पूरी पटकथा ईरान ने ही लिखी थी और अब जब इसराइल कह रहा है कि वो हिजबुल्ला को सबक सिखाने के लिए आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है, तो ईरान के कार्यकारी विदेश मंत्री अली बागेरी कानी ने ये तक कह दिया है कि अगर इसराइल ने लेबनान पर आक्रमण किया तो उसके लिए वो नरक साबित होगा। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी ये बात मानी है कि इसराइल और हमास के युद्ध में ईरान सीधे तौर पर कूद पड़ेगा। और इसी कड़ी में अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल यूरो न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि ईरान समर्थित हजारों लड़ाके हिजबुल्ला में भर्ती होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इससे पहले PM नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया था कि वो हिजबुल्ला को
बख्शेंगे नहीं, और इसी के तुरंत बाद ईरान के कई लड़ाकों ने हिजबुल्ला में भर्ती होने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि हिजबुल्ला के पास मौजूदा समय में 1,00,000 से ज्यादा सशस्त्र लड़ाके हैं, जिनके पास सीरिया में युद्ध लड़ने का लंबा अनुभव है। इसके अलावा गोला बारूद के मामले में हिजबुल्ला के पास 1,20,000 से 2,00,000 तक मिसाइलें हैं, और एक रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि हिजबुल्ला एक दिन में इसराइल के ऊपर 3,000 मिसाइलें फायर कर सकता है। ऐसा वो लगातार 4 हफ्तों तक कर सकता है। लेकिन बात आती है ईरानी लड़ाकों की हिजबुल्ला में भर्ती होने की, तो हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला ने ईरान के इस ऑफर को फिलहाल मना कर दिया है। न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस के मुताबिक नसरल्ला का कहना है कि उनके पास इसराइल से लड़ने के लिए पर्याप्त संख्या में लड़ाके हैं। नसरल्ला ने इराक, सीरिया और यमन में ईरान समर्थित लड़ाकों का हिजबुल्ला में भर्ती होने की गुजारिश का आभार जताया है। नसरल्ला का कहना है कि हमने उनका धन्यवाद किया है, लेकिन हमारे पास पहले ही उचित संख्या में लड़ाके हैं। लेकिन इसको लेकर एफडीडी के एनालिस्ट डेविड दाऊद का कहना है कि हिजबुल्ला कई बार अपनी उस ताकत को दिखाने की कोशिश करता है जो हकीकत में उसके पास है ही नहीं। नसरल्ला सिर्फ अपनी जनता को ये जताना चाहते हैं कि वो अकेले अपने दम पर इसराइल का सामना कर सकते हैं। हालांकि अगर हकीकत में हिजबुल्ला खतरे में पड़ता है तो ईरान समर्थित लड़ाके सीधे लेबनान आ सकते हैं। और इसी को लेकर 23 जून 2024 को यूनाइटेड स्टेट्स जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन ने चेतावनी दी है कि इसराइल हिजबुल्ला के युद्ध में ईरान सीधे हस्तक्षेप कर सकता है। अमेरिका का कहना है कि हमास के मुकाबले ईरान हिजबुल्ला को अपना सपोर्ट देने में ज्यादा इच्छुक है, और यही वजह है कि अमेरिका बार बार इसराइल को हिजबुल्ला के साथ जंग में जाने से रोक रहा है।